नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। मैं हूँ वीरजी मेघवंशी, आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं गुजरात और मध्य प्रदेश को जोड़ने वाले साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में। दोस्तों, इस ट्रेन की डिटेल जानकारी दूं उससे पहले कृपया आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अपने इस भाई की चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा। इस ट्रेन का इनॉग्रेशन 5 जनवरी 2015 को हुआ था। इस ट्रेन का नंबर है 22936। इस ट्रेन की रिटर्न जर्नी रहती है रीवा से राजकोट तक, जिस ट्रेन का नंबर है 22938। यह ट्रेन राजकोट से रीवा तक तकरीबन 1601 किलोमीटर अंतर तय करती है 27 घंटे और 30 मिनट में। इस ट्रेन की एवरेज स्पीड रहती है 58 किलोमीटर पर आवर। इस ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड रहती है 110 किलोमीटर पर आवर। इस ट्रेन को सुपरफास्ट ट्रेन की कैटेगरी में डाला गया है। यह ट्रेन सप्ताह में रविवार को राजकोट स्टेशन से डिपार्ट होती है रीवा के लिए। इस ट्रेन को राजकोट से रीवा तक ले जाने के लिए 2 लोकोमोटिव की जरूरत पड़ती है, जिसमें राजकोट से अहमदाबाद तक साबरमती लोको शेड का WDP-4D लोकोमोटिव लगता है और अहमदाबाद से रीवा तक जाने के लिए भरूच लोको शेड का WAP-4 लोकोमोटिव लगता है। इस ट्रेन को वेस्टर्न रेलवे जोन ऑपरेट करता है। इस ट्रेन में ICF श्रेणी के 23 कोच शामिल हैं, जिसमें सेकंड AC का 1, थर्ड AC के 5, स्लीपर के 11, जनरल के 4 एवं SLR के 2 कोच शामिल रहते हैं। यह ट्रेन 3 राज्यों को जोड़ती है, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश शामिल है। यह ट्रेन तकरीबन 24 स्टेशनों पर रुकती है और 243 इंटरमीडिएट स्टेशन को पार करती है। इस ट्रेन की जर्नी गुजरात राज्य के राजकोट जंक्शन से प्लेटफॉर्म नंबर 3 से दोपहर को 1:45 पर शुरू होती है। इस ट्रेन का दूसरा स्टेशन रहता है वांकानेर जंक्शन। वांकानेर जंक्शन पर यह ट्रेन दोपहर को 2:24 पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे ठहरती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 2:26 पर रवाना हो जाती है सुरेंद्र नगर जंक्शन के लिए। सुरेंद्र नगर जंक्शन पर यह ट्रेन दोपहर को 3:31 पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे पहुंचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 3:33 पर रवाना हो जाती है विरमगाम जंक्शन के लिए। विरमगाम जंक्शन पर यह ट्रेन शाम को 4:45 पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे पहुंचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 4:47 पर रवाना हो जाती है अहमदाबाद जंक्शन के लिए। अहमदाबाद जंक्शन पर यह ट्रेन शाम को 6:10 पर पहुंचती है। 20 मिनट के होल्ड के बाद 6:30 पर रवाना हो जाती है नड़िया जंक्शन के लिए। दोस्तों, अहमदाबाद जंक्शन पर इस ट्रेन का लोकोमोटिव चेंज होता है। पहले राजकोट से अहमदाबाद तक इस ट्रेन को साबरमती लोको शेड का WDP-4D लोकोमोटिव लेके आया था। अब अहमदाबाद से रीवा तक भरूच लोको शेड का WAP-4 लोकोमोटिव लेके जाएगा। इस ट्रेन का 6वां स्टेशन रहता है नड़िया जंक्शन। नड़िया जंक्शन पे शाम 7:23 पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे रुकती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 7:25 पे रवाना हो जाती है आनंद जंक्शन के लिए। आनंद जंक्शन पर यह ट्रेन शाम को 7:40 पे प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे रुकती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 7:42 पे रवाना हो जाती है वडोदरा जंक्शन के लिए। वडोदरा जंक्शन पे यह ट्रेन रात को 8:30 पे पहुंचती है। 5 मिनट के होल्ड के बाद 8:35 पे रवाना हो जाती है भरूच जंक्शन के लिए। भरूच जंक्शन पे यह ट्रेन रात को 9:31 पे प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे रुकती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 9:33 पे रवाना हो जाती है सूरत स्टेशन के लिए। सूरत स्टेशन पर यह ट्रेन रात को 10:37 पे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे रुकती है। 5 मिनट के होल्ड के बाद 10:42 पे रवाना हो जाती है नंदुरबार स्टेशन के लिए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सूरत स्टेशन जो है इस ट्रेन का गुजरात राज्य में आखिरी स्टेशन है। इस स्टेशन के बाद अपनी यह जो ट्रेन है महाराष्ट्र राज्य में ट्रैवल करेगी। महाराष्ट्र राज्य में इस ट्रेन का पहला स्टेशन रहता है नंदुरबार स्टेशन। नंदुरबार स्टेशन पर रात को 1 बजे पहुंचती है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। 10 मिनट के होल्ड के बाद 1:10 पर रवाना हो जाती है अमलनेर स्टेशन के लिए। अमलनेर स्टेशन पर रात को 2:32 पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे पहुंचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 2:34 पर रवाना हो जाती है जलगांव जंक्शन के लिए। जलगांव जंक्शन पर रात को 3:52 पर प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर यह ट्रेन रुकती है। 3 मिनट के होल्ड के बाद 3:55 पर रवाना हो जाती है भुसावल जंक्शन के लिए। भुसावल जंक्शन पर यह ट्रेन सुबह 4:25 पर प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर रुकती है। 5 मिनट के होल्ड के बाद 4:30 पर रवाना हो जाती है बहरानपुर स्टेशन के लिए। दोस्तों, भुसावल जंक्शन जो है इस ट्रेन का महाराष्ट्र राज्य में आखिरी स्टेशन है। इस स्टेशन के बाद अपनी यह जो ट्रेन है मध्य प्रदेश राज्य में ट्रैवल करेगी। मध्य प्रदेश राज्य में इस ट्रेन का पहला स्टेशन रहता है बहरानपुर स्टेशन। बहरानपुर स्टेशन सुबह 5:19 पे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे पहुंचती है। 1 मिनट के होल्ड के बाद 5:20 पे रवाना हो जाती है खांडवा जंक्शन के लिए। खांडवा जंक्शन पर यह ट्रेन सुबह 6:37 पे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे पहुंचती है। 3 मिनट के होल्ड के बाद 6:40 पे रवाना हो जाती है इटारसी जंक्शन के लिए।
इटारसी जंक्शन पर यह ट्रेन सुबह 9:25 पर प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुंचती है। 10 मिनट के होल्ड के बाद 9:35 पर रवाना हो जाती है पिपरिया स्टेशन के लिए। पिपरिया स्टेशन पर यह ट्रेन सुबह 10:28 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 10:30 पर रवाना हो जाती है नरसिंहपुर स्टेशन के लिए। नरसिंहपुर स्टेशन पर यह ट्रेन सुबह 11:38 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 11:40 पर रवाना हो जाती है जबलपुर जंक्शन के लिए। जबलपुर जंक्शन पर यह ट्रेन दोपहर को 1:25 पर प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुंचती है। 10 मिनट के होल्ड के बाद 1:35 पर रवाना हो जाती है कटनी जंक्शन के लिए। कटनी जंक्शन पर यह ट्रेन दोपहर को 2:50 पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचती है। 5 मिनट के होल्ड के बाद 2:55 पर रवाना हो जाती है मेहर स्टेशन के लिए। मेहर स्टेशन पर यह ट्रेन दोपहर को 3:38 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 3:40 पर रवाना हो जाती है सतना जंक्शन के लिए। सतना जंक्शन पर यह ट्रेन शाम को 4:10 पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचती है। 5 मिनट के होल्ड के बाद 4:15 पर रवाना हो जाती है इस ट्रेन की आखिरी मंजिल की ओर। इस ट्रेन का आखिरी मंजिल स्टेशन रहता है रीवा स्टेशन। रीवा स्टेशन पर यह ट्रेन शाम को 5:15 पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचती है। यह ट्रेन तकरीबन राजकोट से रीवा तक 1601 किलोमीटर अंतर तय कर चुकी होती है। दोस्तों इस ट्रेन की बात करूँ तो इस ट्रेन में पेंट्री कार की सुविधा नहीं दी जाती, ऑनबोर्ड और ई कैटरिंग की सुविधा दी जाती है। और इस ट्रेन के किराए की बात करें तो कृपया IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट पर संपर्क करें ताकि आपको परफेक्ट किराया मिल जाए। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कीजिएगा। वीडियो में कुछ भी बदलाव चाहते हो तो कृपया कमेंट कीजिएगा। और ऐसी रेलवे से जुड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।